नमस्कार बच्चों, लो आ गई तुम्हारी फूल कुमारी दीदी। नमस्कार दीदी, आज तो हम पढ़ पढ़ के बहुत बोर हो गए हैं, कोई अच्छी सी कहानी सुनाइए ना। अरे बच्चे भी कभी बोर होते हैं। चलो कोई बात नहीं, मेरी कहानियों की पोटली से आज एक और कहानी निकालती हूँ। ये इस कहानी का शीर्षक है बोली ही पहचान। एक बार एक घने जंगल में एक साधु एक विशाल बड़ के पेड़ के नीचे बैठकर घोर तपस्या में लीन थे। फिर एक दिन देश के राजा उसी जंगल में अपने कुछ मंत्री और कुछ सिपाहियों के साथ शिकार खेलने आए, पर शिकार ढूंढने की दौड़ में उनकी पूरी पलटन उस घने जंगल में भटक गई और कई टुकड़ों में बंटकर आपस में अलग अलग हो गई। राजा कहीं और तो कुछ सिपाही कहीं और तो मंत्री कहीं और, सब एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। तभी कुछ सिपाहियों की नजर उस साधु पे पड़ी और एक सिपाही ने साधु से पूछा, क्यों रे साधु, हमारे राजा को देखा तूने कहीं? इस पर साधु मौन रहे, उनकी तो आंखें बंद थीं, वे अपनी ही साधना में लीन थे। जब सिपाहियों को कोई उत्तर नहीं मिला तो वे आगे बढ़ गए। फिर कुछ देर बाद उसी रास्ते से मंत्री भी गुजरे और उन्होंने भी वही सवाल साधु से पूछा, बाबा क्या हमारे सिपाही और राजा इधर आए थे? साधु फिर वैसे ही आंखें बंद कर मौन रहे, तो मंत्री भी बिना कुछ बोले आगे बढ़ गए। फिर आखिरकार राजा भी उधर से ही निकले और साधु के पास पहुंच गए, उन्होंने भी वही सवाल पूछा, मुनिवर मुझे क्षमा करें, मैं आपकी साधना में विघ्न डाल रहा हूं, किंतु मैं मुसीबत में हूं, क्या मेरे मंत्री और सिपाही यहां से गुजरे थे? तब साधु ने बिना आंखें खोले कहा, वे सभी यहां आए थे, पहले सिपाही आए फिर एक मंत्री आए और अब तुम आए हो राजन। इस पर राजा ने आश्चर्य से पूछा, हाँ लेकिन मुनिवर आपने तो अपनी आंखें बंद रखी हैं, आपने यह कैसे जाना कि कौन आया है और कौन क्या है? अरे हाँ दीदी, साधु की तो आंखें बंद थी, उसे क्या पता कि कौन आ जा रहा है, कौन पूछ रहा है। फिर जानते हो इस बात पर साधु क्या बोले? क्या बोले दीदी? वे बोले, राजन मनुष्य अपने व्यवहार में बोली से पहचाना जाता है कि वह कितना गुणवान है, सबकी बोली हुई भाषा से ही मैं समझ गया कि कौन क्या है। तो ये बात थी दीदी। इसी बात से राजा को भी अब समझ में आ गया और फिर साधु की दिखाई दिशा में जा राजा ने अपने मंत्री और सिपाहियों को खोज लिया। फिर राजा पुनः अपनी पलटन के साथ साधु के पास गया और उन्होंने अपने मंत्रियों और सिपाहियों सहित साधु से क्षमा मांगी। खत्म कहानी। हाँ देखा आपने, कैसे साधु सिर्फ लोगों की बोली से ही पहचान गया कि कौन सिपाही है, कौन मंत्री है, कौन राजा है, जबकि किसी ने भी अपना कोई परिचय नहीं दिया था। हाँ दीदी, साधु महाराज ने तो बड़े पते की बात बता दी, सबसे शक्तिशाली और समृद्ध राजा सबसे विनम्र थे, वहीं मंत्री ने सिपाहियों से ज्यादा पर राजा से कम आदर से साधु से प्रश्न पूछा, जबकि सिपाही जो स्वयं साधु की ही तरह साधारण जनता के स्तर के थे, उन्होंने बड़े अशिष्ट तरीके से साधु से प्रश्न किया। जो जितना बड़ा आदमी था उतना ही विनम्र था और दूसरों का सम्मान करने वाला था। बिल्कुल सही समझे आप, जैसे फल से लदे पेड़ की डाल हमेशा झुकी रहती है, वैसे ही गुणवान व्यक्ति भी हमेशा विनम्र रहते हैं, समझे? हम भी राजा की तरह हमेशा मधुर वाणी ही बोलेंगे दीदी, और कभी भी अनजाने में भी किसी का भी अनादर या तिरस्कार नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, आज की कहानी में बस इतना ही। चलो अब अपनी फूल कुमारी दीदी को दो विदा, अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद।